जो जो आपने अनुभव किए हैं, वो आपने देखा है, महसूस किया है, तो वो अब अपनी बेटी को तैयार कर दो। ये बता दो कि लाडली, जहाँ तुम जा रही हो वो तुम्हारा अपना घर है, अपना समझ कर रहोगी तो कोई बात कड़वी नहीं लगेगी, कोई बात बुरी नहीं लगेगी। सासू माँ यदि थोड़ा कुछ कह भी देगी ना, तो वो भी माँ है, ऐसा सोच करके तुम सहन कर लोगी। वो परिवार है, उसको व्यवस्थित रखना, जोड़ कर रखना, संभाल कर रखना, मीठा बोलना, सबसे विनम्रता से रहना। परिवार में तुम्हारी वजह से कोई दरार ना आ जाए, और दरार जो हो रही हो उसको भरने का काम करना। ये सीख देती थी माँ, सभी माताएं देती थी। जैसे जानकी जी को मिल रही है, पुण्य पुण्य सी ये गोद कर ले ही, देह आशीष सिखावन दे, आशीर्वाद के साथ शिक्षा भी दे रही है। सासू का, माँ का सम्मान, ससुर जी का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, अतिथियों का सम्मान, परिवार का तालमेल बनाकर रखना, ये तुम्हारा कार्य होगा। ये सीख प्रत्येक माँ देकर भेजती थी। आज ये अलग बात है कि माताएं अब ये सीख नहीं देती है। अब समय बदल गया, स्थितियां बदल गई, क्योंकि ना तो सीख लेने वाले सीख लेना चाहते, न सीख देने वाले कुछ सिखाना चाहते। इसलिए परिवार विघटित है, परिवार बट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बेटियों को ये सिखाओ कि बेटी आप अत्याचार सहन करना, मैं ये नहीं सिखाती, लेकिन ये जरूर कहती हूं कि परिवार की व्यवस्था अव्यवस्था, समय अनुकूल, स्थिति कभी अच्छी होगी बुरी होगी, समय सब एक जैसा नहीं होगा, उस सब समय को व्यवस्थित करके संभाल कर घर परिवार को आगे ले जाना है। किसी के अत्याचार सहन नहीं करने, किसी को का अपमान, अगर कोई आपका अपमान करता है वो सहन नहीं करना है, लेकिन उस सब को व्यवस्थित करना, ठीक करना। अरे तुम तो इतनी वो कहते ना, कोमल हो, नम्र हो, विनम्र हो, शीतल हो, आग के सानिध्य में जल आए या जल के सानिध्य में आग आ जाए, जैसे भी, अगर जल एक साथ कहीं है, आग जल रही है, अगर थोड़ा सा आग पर जल डाल दिया जाए तो आग भी शांत हो जाती है। तो यदि कहीं तुम्हें कोई क्रोधी स्वभाव के लोग मिल जाएं, विपरीत लोग मिल जाएं, उस समय तुम जल बन करके उनको भी शीतल बना देना, इतनी सामर्थ्य अपने भीतर पैदा करना। तुम शीतलता का प्रतीक हो, नम्रता का प्रतीक हो। अब एक आग बन जाएगा और एक जल बन जाएगा। मान लीजिए आग तो किसी को बनना नहीं है, लेकिन फिर भी क्रोधी स्वभाव के लोग तो होते हैं, ऐसा नहीं सब में क्रोध नहीं। तो एक उस समय पर जल बन जाए तो क्रोध दूसरे का शांत हो सकता है, लेकिन उस समय पर घी बन जाए तो आग और भड़क जाती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें लाडली, जहां तू जा रही है ना, उस घर में तुझे उपयोग करनी है। जैसे जैसे मैंने जीवन जिया है, वही वही मैं तुम्हें सिखा रही हूं। ये भाव माता सुनेना का। अयोध्या जा रही हो, जनकपुरी में, अयोध्या में कोई अंतर नहीं है। जैसे पिता के घर रही हो, वैसे तुम वहां रहना, आनंद से, प्रेम से हाथ जोड़ करके। आज जनक जी कहते हैं, मैं अपनी लाडली दुलारियों को दे रहा हूं, तुम्हें सौंप रहा हूं, कोई भूल हो जाए तो इनको क्षमा करना। दोनों तरफ इतनी विनम्रता है। लेकिन दशरथ जी भी कहते हैं, आप हाथ क्यों जोड़ते हो जनक जी, आप तो दाता है, हम लेने वाले हैं। अरे आप हमसे श्रेष्ठ है, बड़े हैं, आप तो हमें वो अनमोल हीरा दे रहे हैं जिससे हमारा भवन चमक उठेगा। और सब प्रसन्न होकर, आनंदित होकर के यहाँ से जो बारात है वो विदा हुई है, विदाई हुई है। प्रसन्न, एक भी व्यक्ति अप्रसन्न नहीं है, नाराज नहीं है, दुखी नहीं है। नहीं तो आजकल विवाहों में कोई रूठ के भाग रहा है, कोई पी के पड़ा है, कोई कहीं कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, कहीं झगड़ा कर रहा है, कोई
कैसा वातावरण बना दिया जाता है, विवाह का संस्कार नाम की तो कहीं कोई विधा वहां दिखती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो विवाह मनुष्यों का ही है, ऐसा थोड़ा वातावरण भी बनाओ। और अब अयोध्या में जब बारात लौटकर वापस आती है तो सब प्रसन्न है। अरे जानकी जी जैसी बहू को पाकर कौन प्रसन्न नहीं होगा।